ये देख लो, मेरे साथ इन दो दो लड़कियों ने जुल्म कर रखा है। मुझे सोने की जगह नहीं देती हैं। एक कहती मैं सोऊंगी, एक कहती मैं सोऊंगी, ये इधर इधर आराम से। हाँ, और मुझे इतनी सी जगह दे रखी है इन्होंने सोने की, मतलब मैं मरोड़ा भी नहीं मार सकती। सारी रात एक इधर ऐसे सोते हैं। मतलब मैं कहाँ सोऊँ, मैं फंसी पड़े इनके बीच में। मुझे इतना परेशान करती है, देखो आराम से सो रही है दोनों घोड़े बेच के, और मैं मरोड़ा नहीं मार सकती। वो कहते हैं ना कि मतलब जानवर को छूने से बीमार हो जाते हैं, मतलब है बच्चों को बोलते जाओ हाथ धो के आओ। मैं इन जानवरों के मतलब 10 10 20 20 जानवरों के बीच में खेलती खाती पीती रहती हूँ। मुझे तो सड़क कभी सिर दर्द नहीं होता, उल्टा मन खुश रहता है। ये देख लो, दो दो बच्चे ऐसे सुला के बीच में मुझे पड़े। बेला मोली, गहरी नींद खराब ना करे हमारी मम्मी, हमें सोने दे। भाइयों मरोड़ा मारन का भी दे दो यार मन किते। ओ बेलू, हाँ सोई पड़ी है आराम से। बेलू, ए बेलू, इनको कोई मतलब नहीं। मम्मी दुखी होए परेशान हो कुछ हो, आराम से सो रही है मजे से अपना। मम्मी अपने मरोड़ा मारे तो मारेगी। सो जा। बाकी मेरी सच में ये मतलब मेरी बच्चियां मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। मुझे बहुत स्ट्रीट डॉग से भी बहुत ज्यादा प्यार है, पर इनसे भी बहुत ज्यादा प्यार है। मतलब ये नहीं है कि स्ट्रीट डॉग अच्छे नहीं लगते, वो भी बहुत प्यारे लगते हैं। सारे सर्दियों में मेरे घर में अंदर ही सोते थे, अब वो ज्यादा अंदर नहीं रहते, खाना खाते ही अपने आप ही कहते हैं गेट खोल दो बाहर जाएंगे। बहुत सारे स्ट्रीट डॉग भी हैं 10 12। पर ये तो छोटी छोटी बच्ची है, बिल्कुल बहुत ही प्यारी। अब पता मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, इसको प्यार करूं तो वो नाराज हो जाती है, उसको प्यार करूं तो ये नाराज हो जाती है। दोनों ने मेरा जीना हराम कर रखा, पर मुझे तो सारी ये प्यारी है। मैं अपने बच्चों में फर्क थोड़ा करती हूँ, है ना। बोलो बोलो, कितने आराम से सो रही है।